वल्लभ नगर विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत ने जन आकांक्षाओं के अनुरूप बजट पेश करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। शक्तावत ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में रिको इंडस्ट्री की घोषणा से औद्योगिक विकास के साथ युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। विशेषकर कोरोना काल में बेरोजगार हुए प्रवासी युवाओं को उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों की मांग व जरूरतों को देखते हुए 22 माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। साथ ही सड़कों के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान भी है। शक्तावत ने सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की घोषणा एवं उदयपुर में UIT की जगह विकास प्राधिकरण की घोषणा के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार जताया। नमस्कार, मैं मीडिया के माध्यम से हमारे जननायक मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब और राजस्थान सरकार मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र वल्लभ नगर परिवार की तरफ से उन्होंने हमारे यहाँ जो घोषणाएं की, सबसे बड़ी बात आज मेरा युवा रोजगार के लिए जो बाहर जा रहा है, हमें रिको दिया है तो अब हमारे जो बच्चे हैं यही नौकरी पा सकेंगे, यहाँ रहेंगे परिवार के साथ, क्योंकि कोरोना की महामारी में जो दूर दूर थे उन्हें यहाँ पहुँचने में बहुत समय लगा, कई परिवार नष्ट हो गए। अब हमारे युवाओं को यही रोजगार मिलेगा। साथ ही जितने भी विद्यालय थे हमको ये लग रहा था कौन सा क्रमोन्नत हो पाएगा या नहीं, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी दूरदृष्टि से उन्होंने सारे ही विद्यालयों को 10वीं से 12वीं में क्रमोन्नत कर दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल की, उससे सभी जगह बहुत ही हर्ष का विषय है। रोज़ विधानसभा क्षेत्र में पटाखे छूट रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, लोग आतिशबाजी कर रहे हैं। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी आला कमान सोनिया जी गांधी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।